नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सुंदर और सफेद दांत हो तो दोस्तों मुस्कुराहट भी अच्छी लगने लगती है, लेकिन आजकल खाने पीने की गलत आदतों और दांतों की सही देखभाल न करने से हमारे दांत पीले पड़ जाते हैं। और अगर दांत पीले हो तो व्यक्ति किसी के सामने हंसने से भी हिचकिचाता है और उसे डर लगता है कहीं उसके दांतों को देखकर कोई उसे टोक ना दे। आप में से बहुत सारे लोग दोस्तों बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब ऐसी चीजें लेते हैं जिससे हमारे दांत परमानेंटली भी खराब हो सकते हैं। दांत बिल्कुल काले पड़ने लगते हैं और कई बार तो हमें दांतों को सही कराने के लिए कई तरह के मेडिकल ट्रीटमेंट्स करवाने पड़ते हैं। लेकिन दोस्तों ये उपाय आपको मेडिकल ट्रीटमेंट से बचाएगा, आपके गंदे, पीले, काले और सड़न वाले दांतों को सफेद और मोती जैसे चमकदार बनाएगा। मतलब कि दोस्तों इसके 2 से 3 इस्तेमाल से आपके दांत मोती जैसे चमकदार बनेंगे। आपको इसे कैसे तैयार करना है आइए देखते हैं। इसे बनाने के लिए आपको दोस्तों यहाँ पर लेनी है ये एक कैरेट। दोस्तों आपको कुछ इस तरह से एक गाजर लेनी है और गाजर को हम यहाँ से साइड से काट लेंगे। दोनों साइड से काटने के बाद दोस्तों हमें गाजर को अच्छे से साफ कर लेना है। आप धो सकते हैं या इसे ऊपर से छिलका उतार कर अंदर से साफ गाजर निकलेगी। और इस गाजर को हम जैसे गाजर का हलवा बनाने के लिए कद्दूकस करते हैं, वैसे ही इसे बारीक कद्दूकस कर लेंगे। दांतों पर जमा हुआ प्लाक हटाने और दांतों की सड़न खत्म करने के लिए गाजर दोस्तों बहुत फायदेमंद है। ये आपके गम से बैक्टीरिया को खत्म कर एसिड अल्कलाइन की मेंटेनेंस करती है, जिससे आपके दांतों में चमक बनी रहती है और दांत सफेद होते हैं। हम दोस्तों गाजर को अच्छे से कद्दूकस कर लेंगे और इसे कद्दूकस करने के बाद इसका जूस निकालें। आप एक छन्नी लीजिए और छन्नी की मदद से छान कर गाजर का जूस अलग कर लीजिए। हम दोस्तों एक बाउल में गाजर के जूस को 1 चम्मच लेंगे। एक बार बनाने के लिए आपको 1 चम्मच डालना है और उसके बाद हमें चाहिए लेमन यानी कि नींबू का रस। हाई एसिड लेवल होने के कारण दोस्तों ये आपके दांतों की ब्लीचिंग करता है और ब्लीचिंग से गंदे से गंदा पीलापन आपके दांतों से अच्छे से साफ होता है। आप नींबू काट कर यहाँ पर आपको 1 चम्मच नींबू का रस इसके साथ मिला देना है। और अगली चीज़ आपको यहाँ पर लेनी है टर्मरिक यानी कि हल्दी। हल्दी दोस्तों दांतों के साथ साथ हमारे गम्स के लिए भी बहुत फायदेमंद है, क्योंकि अगर हमारे गम्स मजबूत होंगे तो हमारे दांत स्वस्थ रहेंगे और एंटीबैक्टीरियल होने के कारण ये हमारे दांतों की भी सफाई करती है। आप हल्दी को यहाँ पर लगभग देखिए इतनी सी मात्रा में हल्दी जो है आपको इसमें डाल देनी है। और आखिर में दोस्तों आपको यहाँ पर इसमें टूथपेस्ट मिलाना है। टूथपेस्ट दोस्तों हमने जैसे यहाँ पर कोलगेट लिया है, आप कोई सा भी टूथपेस्ट जो घर पर इस्तेमाल करते हैं वो ले सकते हैं। टूथपेस्ट हम इसमें इसलिए मिलाएंगे ताकि हमें बार बार ब्रश ना करना पड़े। आप इसी से ही एक बार में अपने दांतों पर ब्रश कर लें और आपके दांतों की अच्छे से सफाई हो। इसके लिए आप इसे चम्मच में कुछ इतना सा डालिए और इस टूथपेस्ट को इस रेमेडी में अच्छे से मिक्स करेंगे। आप चम्मच से अच्छे से इसे मिक्स कीजिए और तब तक इसे मिक्स कीजिए जब तक ये फोम की तरह ना बन जाए। कुछ देर हिलाने के बाद दोस्तों ये हमारा उपाय तैयार हो जाएगा। दांतों पर जमा हुआ पीलापन, दांतों की सड़न और कालापन हटाकर स्वस्थ और मोती जैसे चमकदार बनाने के लिए उपाय दोस्तों बहुत फायदेमंद है। आपको इसे कैसे करना है आइए देखते हैं। इस उपाय का इस्तेमाल करने के लिए आपको एक साधारण सा ब्रश लेना है। अगर दोस्तों आप बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब और कॉफी ज्यादा पीते हैं तो उन्हें पहले बिल्कुल कम कर दें। आप इस पेस्ट को उतना लीजिए जितना एक बार के लिए लेते हैं और अपने दांतों पर हल्के हाथों से इसे रब करना है। आप धीरे धीरे से अपने दांतों के ऊपर ब्रश कीजिए और जहां पर आपके दांत ज्यादा पीले हैं, सड़न है, वहां पर 2 से 4 मिनट तक अच्छे से ब्रश करें। ब्रश कर लेने के बाद दोस्तों आप इसे कम से कम 2 मिनट तक अपने दांतों पर लगा रहने दें, जिससे रेमेडी अपना काम करेगी। और फिर 2 मिनट के बाद पानी से कुल्ला करके अपने दांतों की सफाई कर लें। जिन लोगों के दांतों पर पीलापन है वो दोस्तों इसके 2 से 3 इस्तेमाल से ही उतर जाएगा। लेकिन अगर आपके दांतों में सड़न है, कालापन है, तंबाकू से दांत बहुत खराब हो चुके हैं तो इसका इस्तेमाल आपको लगातार करना पड़ेगा और कुछ हफ्तों में इसके ऐसे रिजल्ट मिलेंगे कि आपके दांत मोती जैसे सफेद और चमकदार बनेंगे। वीक में आपको इसका इस्तेमाल 3 बार करना है और दिन के 2 मिनट के इस्तेमाल से आपके दांत मोती जैसे सफेद और चमकदार बनेंगे और आप खुलकर मुस्कुरा पाएंगे। आज की जानकारी बस यहीं तक थी। पसंद आए तो इसे लाइक और दोस्तों में भी शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।